नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन कॉस्टिकम के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही आसानी से आपको पढ़ के समझाऊंगा कॉस्टिकम को और किस बुक से, होम्यो दवाओं के बोलते चित्र। तो इस बुक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कॉस्टिकम और कुछ अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कॉस्टिकम कौन कौन सी बीमारी में ले सकते हैं, किस पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, ये बताऊँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, कॉस्टिकम को लेखक डॉक्टर आर के चौहान जी ने होम्यो दवाओं के बोलते चित्र में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है, और मैं जैसा वो लिख रहे हैं वो मैं पढ़ता हूँ और आपको और अच्छे से आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉस्टिकम, इस दवा से मस्से ठीक होते हैं। अन्य डॉक्टर का कहना है कि सभी अर्थात पूरे बदन पे मस्से ये दवा ठीक कर लेती है। इस दवा का लाभ होता है, परंतु मैंने, मतलब लेखक लिख रहे हैं, परंतु मैंने केवल भौं, मतलब आपके जो आईलेट्स होते हैं वहाँ के मस्सों को इस दवा से ठीक किया है, इसका प्रयोग किया है और बहुत ही अच्छी सफलता भी मुझे मिली है। तो लिख रहे हैं कि फलता, मतलब मैंने इस सफलता को देखते हुए एक पिक्चर बनाई है जो पिक्चर आपको अभी दिख रही है, और इस पिक्चर में, चित्र में यही दर्शाया है कि अगर भौं में, आईलेट्स में अगर मस्से होते हैं तो कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और दोस्तों, मैंने भी भौं के मस्सों के लिए कॉस्टिकम दी है, और थूजा भी मैं मोस्टली मस्सों में देता हूँ। कॉस्टिकम और थूजा मोस्टली मैं मस्सों में देता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थूजा आप 200 पोटेंसी में मस्सों में यूज़ करें, 200 पोटेंसी में दो बूंद सुबह शाम पिए, और कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में यूज़ करें, दो बूंद रात में लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन भौं के मस्सों में सिर्फ आप कॉस्टिकम बस लेंगे तो पूरी तरीके से मस्से ठीक हो जाएंगे। आगे लेखक क्या लिखते हैं कि इस दवाई में एक विशेषता और है कि रोगी को जब खांसी होती है तो खांसी के धमक से, खांसी के जो धमक होती है, इतना तेज खांसी होती है, उसकी धमक से उसे पेशाब हो जाता है, इनवॉलेंट्री यूरिन हो जाता है। तो कई बार पेशेंट ये बताते हैं कि मैं खांसते खांसते इतना ज़्यादा खांसी हुई कि थोड़ा सा पेशाब एक दो बूंद निकल आई। ऐसे में हमेशा याद रखें कॉस्टिकम को और कॉस्टिकम दे। ये सिम्टम्स भी मैं बहुत, मुझे याद रहता है, और कभी भी कोई भी पेशेंट अगर ये सिम्टम मुझे बताते हैं तो मैं ज़रूर कॉस्टिकम दे। आगे पढ़ते हैं, मैंने ऐसी रोगनियों को, मतलब पेशेंट्स को सफलतापूर्वक चिकित्सा की है, ठीक किया है, लेखक ये लिख रहे हैं। आगे लेखक लिखते हैं, बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करने पर भी यह दवा लाभकारी है। बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, और इसके लिए यूकिस्टियम और कॉस्टिकम, ये दो मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट जो कि नॉक्टर्नल एनुरेसिस, रात में बच्चे जो बिस्तर गीला करते हैं, उसके लिए कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कॉस्टिकम बच्चों को आप थोड़ा सा लो पोटेंसी में दीजिए, 30 CH पोटेंसी में दीजिए, दो बूंद रात में दीजिए, और यूकिस्टियम 30 एक बूंद सुबह एक बूंद शाम को दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे लेखक क्या लिख रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि इससे मोतियाबिंद ठीक होता है। दोस्तों, कैटरेक्ट में कॉस्टिकम मैंने देखा है, और कॉस्टिकम आप थोड़ा सा हायर मिडिल पोटेंसी, मतलब लगभग कॉस्टिकम 1 mL दे सकते हैं या 200 पोटेंसी दे सकते हैं। कॉस्टिकम आप 200 पोटेंसी में दे रहे हैं तो दो बूंद सुबह सुबह दे दीजिए, साथ में सिनेरिया मार्टीम आई ड्रॉप ज़रूर डालें। आँखों में कॉस्टिकम को पीना है और सिनेरिया मार्टीम आई ड्रॉप डालना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कैटरेक्ट में। तो वही लिख रहे हैं लेखक। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लेखक लिख रहे हैं, रोगी को प्यास रहती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है रोगी को, और प्यास ठंडे पानी की लगती है, ठंडा पानी ही वह चाहता है और ठंडा पानी ही पीना चाहता है। ये लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बुखार में। अगर रोगी को बुखार में प्यास लगे, बार बार प्यासा हो रोगी और बार बार ठंडा पानी पीना चाहे, तो कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आगे चलते हैं, जब कोई रोगी कहता है कि मैं जब मांस खाता हूँ, मतलब मैं जब नॉनवेज खाता हूँ, तो मुझे पतले दस्त लगने लगते हैं, तो
इसके लिए आप इस दवा का उपयोग करिए। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, मतलब बहुत सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन पेशेंट आपके पास आएंगे या आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई हो कि नॉनवेज खाने के बाद पतले दस्त जा रहे हो, या बार बार ऐसी समस्या है कि आप जब भी नॉनवेज खाते हैं या प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो आपको दस्त होने लगती है, तो कॉस्टिकम यूज़ करें। और कॉस्टिकम आप 30 CH पोटेंसी में ऐसे में यूज़ करें, एक बूंद सुबह पिए, एक बूंद दोपहर में पिए, एक बूंद शाम को पिए, 2-3 दिन तक पिएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो कॉस्टिकम 30 ऐसे रख लीजिए और उसके बाद 2 बूंद या 1 बूंद डायरेक्टली टंग में डालिए, दिन में 3-4 बार लीजिए। आगे पढ़ते हैं लेखक क्या लिख रहे हैं। मासिक धर्म के वक्त कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है, मेंसेस के वक्त बहुत तेज़ अगर दर्द हो फीमेल्स को, डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम हो, कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसा दर्द हो जैसे प्रसव आ गया हो, जैसे जो डिलीवरी के पहले वाला जो दर्द होता है वैसा दर्द हो, तो बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कॉस्टिकम। और एक मेडिसिन और है, उस मेडिसिन का नाम आप मुझे मैसेज सेक्शन में लिख के बताइएगा, और सी से ही वो मेडिसिन आती है, तो ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉस्टिकम। डिसमेनोरिया में आप कॉस्टिकम फीमेल्स को 200 पोटेंसी में दीजिए, 2 बूंद रात में 1 बार दीजिए, और साथ में एक मेडिसिन जो कि आप मैसेज सेक्शन में लिखेंगे उसको 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं वात रोग में रोगी को ठंडा लगने या रोग के लक्षण बढ़ते हैं, मतलब जैसे ही आपको कोल्ड से एग्रावेशन हो जाए, ठंडी पानी में गए, ठंडे पानी में नहा लिए, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर आपको वात है, दर्द हो रहा है, और हड्डियों में दर्द के लिए कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आप ठंडे पानी में नहा लिए या एसी में बैठ गए, या ठंडियों में आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, और गर्मी में और ख़ासकर बिस्तर में इसकी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो यही जो है लेखक भी लिख रहे हैं कि गर्मी में और बिस्तर में जाने से लक्षणों में कमी आती है, प्रॉब्लम्स कम होती है, तो कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो आपकी उंगलियां धीरे 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 टेढ़ी हो जाती हैं, डिफॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, तो उन सब प्रॉब्लम्स के लिए कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और वात रोग में कॉस्टिकम आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद रात में पिए सिर्फ 1 बार, और साथ में आप रक्सटॉक्स आर्निका जैसी मेडिसिन भी यूज़ करें, टेलकमारा जैसी मेडिसिन भी यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे लिखते हैं रोगी चिंता करता रहता है, रोगी बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाता है, निराशा और उदासी उसके चेहरे पर आपको दिख जाएगी, चेहरे पर भाव दिखेंगे निराशा और उदासी के, और बहुत जल्दी ही चिढ़ जाता है, एंजियस बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से वो कभी कभी चिल्लाता भी है और बार बार चिल्लाता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा आपको दिखे, थोड़े लक्षण कॉस्टिकम के मिल भी रहे हो, तो ज़रूर दीजिए। बच्चा चलते वक्त डगमगाता है तथा वह देर से चलना सीखता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों बच्चों के लिए। जो बच्चे देर से चलना सीखते हैं या चलते वक्त बहुत डगमगाते हैं, लेट चलना सीखते हैं, तो कॉस्टिकम ऐसे बच्चों को आप 30 CH पोटेंसी में 1 बूंद सुबह सुबह दीजिए, और कम से कम 3-4 महीने तक दीजिए। और बच्चा अगर लेट बोलता भी है, बोलना धीरे धीरे हो पा रहा है, शब्द नहीं निकाल पा रहा है, कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ आप कालीफॉस भी दीजिए, कालीफॉस 6x6 6 गोली सुबह शाम दीजिए। इससे बच्चों की 3 प्रॉब्लम ठीक होती है, पहले तो लेट बोलना, लेट चलना, और उसके साथ साथ अगर बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है तो वो प्रॉब्लम ठीक होती है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों पुराने घाव जो ठीक हो चुके थे वे फिर से कच्चे हो जाते हैं और फिर से उभर आते हैं। खासकर दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि जले हुए जो घाव होता है, स्कार हो जाता है, आपको कहीं जल गया है और किसी पेशेंट को जल गया है, वहाँ पर एक घाव का निशान बन जाता है, स्कार बन जाता है, कभी कभी वो पक जाता है फिर से, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉस्टिकम। और ऐसा ही अगर सर्जरी में और ख़ासकर जो सी सेक्शन होता है उसके बाद जो घाव का निशान बच जाता है, जो स्टिचेस के निशान बनते हैं आसपास, पक जाता है, पानी पानी जैसा निकलने लगता है, ऐसे में कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और कॉस्टिकम आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें। आगे पढ़ते हैं समागम के बाद आँखों के सामने झिल्ली
सी महसूस होना और सिर में चक्कर आना और कमज़ोरी में कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सर पर एक्जिमा, दाद आदि हो तब भी कॉस्टिकम दी जा सकती है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और कान में बहरापन के लिए कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, और मैं भी काफ़ी सारे पेशेंट को ये दे चुका हूँ। कान में एक प्रकार का शब्द, मतलब टाइनेटस, इस टाइप का एक टाइनेटस गूंजने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉस्टिकम। तो टाइनेटस के लिए और हेयरिंग लॉस के लिए कॉस्टिकम आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें और 2 बूंद रात में लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, 1-2 महीने तक ज़रूर लीजिएगा। साथ में आप चिनोपोडियम 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम ज़रूर लीजिएगा। लास्ट एक सेंटेंस है, वूपिंग कफ, कुकुर खांसी, बिल्कुल एकदम से इस टाइप की खांसी के लिए कॉस्टिकम बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी दवा है, इसका प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। वूपिंग कफ, कुकुर खांसी और खासकर बहुत तेज़ खांसी हो और खांसते खांसते पेशाब की बूंदें निकल आए, ये सब हमेशा याद रखिएगा, कॉस्टिकम ज़रूर दीजिएगा। तो कॉस्टिकम दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा अपने क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करता हूँ, मोस्टली वॉट्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बड़ों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खांसी के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं देखने को मिले तो ज़रूर आप दीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल भी होगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ आता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।